student, welcome in STEAM class. Today we are going to continue lesson 5. Heading is the evergreen plant. So everyone, open your book, page number 29. So heading is evergreen plant. तो बच्चों शुरू करते हैं. द हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज वेरी मच सुटेबल फॉर लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ ट्रीज दैट इज वेरी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर नोन फॉर द वाइड डाइवर्सिटी ऑफ देयर प्लांट्स. तो बच्चों मीनिंग क्या होगी, पेड़ों की प्रचुर वृद्धि के लिए गर्म और जैसे गर्म और हॉट क्या लिखा है, हॉट और वेट, मैंने दोनों की मीनिंग बताई थी, गर्म और आर्द्र. वेट मतलब ऐसे गीला होता है, लेकिन आर्द्र पड़ेंगे, आर्द्र जलवायु काफी उपयुक्त है. वही बरसात वाला समय जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भाई पेड़ वेड़ सबसे बढ़िया वृद्धि कब करते हैं, बरसात. दैट इज वेरी इक्वेटोरियल यानी बहुत भूमध्य रेखीय वर्षा वन अपने पौधों की डायवर्सिटी मतलब क्या होता है, विविधता मतलब विविध प्रकार के पौधे, डायवर्सिटी मीनिंग नोट करते रहेंगे आप, के लिए जाने जाते हैं. आगे देखेंगे, इट इज बिलीव्ड दैट द फॉरेस्ट ऑफ एरियाज सराउंडिंग द अमेजन रिवर इन अफ्रीका हैव टेंस ऑफ थाउजेंड स्पेसीज ऑफ प्लांट मेनी ऑफ देम स्टिल अनडिस्कवर्ड. तो बच्चों ये अफ्रीका में अमेजन नदी के आसपास के इलाकों में जंगलों में पौधों की हजारों प्रजातियां हैं, उनमें से कई तक अभी खोजी तक नहीं गई है, मीनिंग ये हुई. तो बच्चों हम अमेजन के जंगल टीवी वगैरह पे देखते आए हैं, काफी उनके बारे में सुनते आए हैं, वही हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में आते हैं. तो वहाँ बहुत से भी ऐसी चीजें हैं जिनको खोजा नहीं गया है, तो इसको क्या कहेंगे, अनडिस्कवर्ड. ठीक, पैराग्राफ चेंज करते हैं, अगले पैराग्राफ में चलते हैं. दीज फॉरेस्ट आर वेरी थिक, थिक मतलब ये जंगल बहुत घने हैं. हेयर प्लांट्स ग्रो इन डिस्टिंक्ट लेयर एट डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो विशिष्ट, यहां के जो जंगल है वो परतों में है. देखिए फिंगर मैंने बनाया है, पहले इसको पढ़ लेते फिर समझते हैं. एट द टॉप ऑफ फॉरेस्ट इज थिक अम्ब्रेला लाइक लेयर गार्ड कैनोपी, इट इज फॉर्मड बाय द स्प्रेडिंग ब्रांचेस एंड थिक लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज. बच्चों जंगल के सीड्स पर छतरी जैसी परत होती है जिसे हम कैनोपी कहते हैं. ये बनती कैसी है, फैली हुई शाखाओं से. आप देखिए यहाँ पर पेड़ हो और जिसके नीचे छाया में आप बैठ के आराम करते हैं, आपको लगता है प्राकृतिक छाता है हमारा, तभी तो धूप नहीं लग रही है. तो ये देखिए ये कैनोपी है, इसको भी आप कैनोपी कह सकते हैं. ये कैसे बनी है, इस पेड़ की डाल निकली है, इसके नीचे कई पेड़ है, आप देखिए बहुत ध्यान से, ये यही तक ये एक लेयर है, यहाँ तक सारे पेड़ औसत बड़े हैं. आप बाद में देखिए, बाद में भी देखिए कुछ पेड़ ऊंचे हो जाते हैं और कुछ पेड़ उसके नीचे नीचे तक रहते हैं. आप कहते हैं वो बड़ा पेड़ है छोटा पेड़ है, तो अभी बात कर रहे हैं सबसे ऊंचे वाले की, उससे नीचे वाले. और ये बनता कैनोपी कैसे, कैनोपी मतलब जो एक छतरी नुमा छाया, इनकी टहनियां निकलती है ढेर सारी घनी घनी, उस पर पत्ते होते हैं. ठीक, तो उसी को हम कैनोपी यहाँ बोल रहे हैं. ठीक, आप देखते होंगे बड़ी बड़ी छतरियों के लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, सिम कार्ड बेचते हैं, उसको कैनोपी कहा जाता है. काम खत्म हुआ, छतरी बन घर. ठीक, तो उसी नाम से इसको कैनोपी कहा गया, छतरी नुमा. आगे बढ़ते हैं. द कैनोपी ब्लॉक्स आउट मच ऑफ द सनलाइट फ्रॉम एंटरिंग द एरिया बिलो द फ्यू ट्रीज व्हिच स्टिक बियॉन्ड द कैनोपी आर टाइड. पेज पलटेंगे हम लोग, टर्न करेंगे, इमर्जेंट ट्रीज
तो बच्चों जो कैनोपी होती है ये सूर्य के अधिकांश भाग को नीचे के क्षेत्र में आने नहीं देती। आप देखिए इसीलिए तो उसको छतरी नुमा कहा गया है। यहां से सूरज अगर चमक रहा है यहां देखेंगे ये सूरज, इसको सन मानते हैं। ये देखिए लाइट पहले इस पर पड़ती है, फिर ये इसके बाद कहां नीचे जाएगा? बहुत छना हुआ प्रकाश जैसे थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश मालूम होता है। ठीक, आज आप अपने यहां पेड़ की छाया देखिएगा तो इसको नीचे नहीं आने देगा। ठीक, और क्या बोलेंगे? इमरजेंट लीयर। ठीक, यानी उभरते हुए पेड़। ये कहां गया? बियॉन्ड, इसके ऊपर चला गया। बियॉन्ड मतलब परे, तो ये कैनोपी के ऊपर गया है, इसको बोलेंगे इमरजेंट लीयर। ठीक, ये एक दो पेड़ काफी बड़े होते हैं, बार बार में देखे चार पांच पेड़ लगे तो उसमें एक काफी बड़ा होता है, कभी कभी उसके नीचे भी कई पेड़ होते हैं। ठीक, ये हमारा इमरजेंट लेयर है। आगे पढ़ते हैं, ए लॉट ऑफ सनलाइट एंड रेन आर रिसीव्ड बाय द ट्रीज इन दिस लेयर। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा सनलाइट कौन प्राप्त कर रहा है तो आप कहेंगे ये बड़ा सबसे ज्यादा सनलाइट और वर्षा, रेन मतलब वर्षा, ये बड़ा होगा। तो ये इमर्जेंट लेयर जो होती है सबसे ज्यादा यहां पर रेन और सूर्य की रोशनी पड़ती है, उसके बाद कैनोपी पर पड़ती है और कैनोपी के नीचे नहीं जाती है, इसलिए वन काफी खड़ी होती है, अंधेरा होता है। बार बार में देखिए आप शाम के समय जाएंगे आपको अंधेरा लगने लगेगा, क्योंकि छाया छाया जो होती है बहुत जल्दी अंधेरा कर देती है। हल्का सा सूरज का हुआ तो आप कहते नहीं बाद में लगने का डर लगता है, अंधेरा हो जाता है जल्दी, और धूप में क्या रहती है छाया बनी रहती है, मतलब नीचे धूप नहीं आती। ठीक, आगे चलते हैं। द अंडर स्टोरी इज द सेकेंड लेयर कंटेन स्मॉल ट्री। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे कैनोपी के जस्ट नीचे यहां पर झाड़ियां वगैरह लगी हुई है, छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ी होती है, वो इसको अंडर स्टोरी बोलते हैं। वैसे बिल्डिंग में भी अंडर स्टोरी होती है, जैसे बड़ी बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग इसके ऊपर अगर एक और कर लूंगा तो अंडर स्टोरी ये नीचे वाले मतलब। ठीक, तो इसको अंडर स्टोरी, यहां भी पेड़ होते हैं, झाड़ियां होती हैं, उगाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्व्स एंड प्लांट्स द स्टेम ऑफ दीस ट्रीज ग्रो अप ट्राइंग अप रीच सनलाइट, हाउएवर मेनी ऑफ दीस स्मॉल ट्री डू नॉट गेट इनफ सनलाइट टू ग्रो इनटू एडल्ट ट्रीज। बच्चों ये जो नीचे अंडर स्टोरीज पेड़ होते हैं, झाड़ियां होती हैं, इनमें कुछ छोटे छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ियां होता क्या है, ये कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सनलाइट प्राप्त करने की, कोशिश करते हैं ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तभी तो इस लेयर में पूछेंगे कैनोपी है इमरजेंट में, तभी तो उनको ज्यादा वर्षा और सूर्य की रोशनी मिलेगी। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम घर पर दो पेड़ लगाए, ये अगर तो होता क्या है, जब ये बढ़ने के साथ मान लीजिए ऊपर चला यहां पर, अब इसको छाया नहीं मिलती तो ये क्या करता है, यहीं से मुड़ जाता है। आप देखेंगे जिधर सूर्य की रोशनी पाते हैं उधर ही मुड़ जाते हैं, ये तो यही चीज इसको बता रहा है कि अंदर के छोटे जो पेड़ होते हैं नीचे जो होते हैं, क्योंकि पेड़ इतने बड़े तो होते नहीं, इसके बीज गिरते हैं तभी तो पेड़ बनते हैं। ठीक, जो नीचे छोटे पेड़ झाड़ियां हैं उनको धूप वगैरह नहीं मिल रही, धूप के लिए पौधे मुड़ जाते हैं या कोशिश करते हैं ऊपर आने। ठीक, इसलिए इसको अंडर स्टोरी लेयर बोलते हैं। ठीक, और सबसे नीचे होती है श्रब लेयर, वो देखिए लिखा हुआ है आपके बुक में भी फोटो है, ये नीचे जो लेयर होती है श्रब लेयर। अब क्या होता है, मान लीजिए यहां पर एक एप्पल लगा था,
इसे एग्जाम्पल बता, ये नीचे गिरेगा इस पर यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ तो जंगल में कोई खाने जाएगा नहीं, जानवर और लोग खाएंगे तो बीज यहाँ फेंक देंगे, जब यहाँ से पौधा जमेगा तो ये भी तो झाड़ी होगा छोटा। अब ये कोशिश करेगा ऊपर जाने ताकि धूप और वर्षा अधिक से अधिक मिल सके। ठीक, आगे पढ़ेंगे द फॉरेस्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ है, द फॉरेस्ट फ्लोर इज द लोवेस्ट लेयर, न्यूमरस कीपर्स क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आर फाउंड। तो बच्चों वन इज जो सबसे निचली परत होती है फॉरेस्ट की, उसकी बात ये कर रहे हैं, ये बात है सौरभ ने, ये सबसे नीचे जहां पेड़ का तना है, तो इसमें कई लताएं और चढ़ने वाले वृक्ष, बच्चों कई झाड़ियां होती हैं जो पेड़ों पे चढ़ जाती है, जैसे राउंड में ये देखिए इसको बना हुआ है ना, राउंड में ये चढ़ा हुआ है, ये दूसरे पेड़ के सहारे होते हैं, जैसे सेब का पौधा होगा या लौकी कद्दू हम लोग चढ़ा देते हैं ऊपर, तो उस तरह के पेड़ों के क्लाइंबर्स चढ़ते हैं ऊपर, इसके सहारे चढ़ते हैं, तो नीचे की परत में पौधे होते हैं ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें क्या मिल सके, धूप मिल सके, वर्षा मिल सके। ठीक, और कई लताएदार पेड़ होते हैं, आगे चलते हैं, फंगी बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट ब्रेक डाउन द डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू यूजफुल मिनरल्स। तो बच्चों एक चीज हम ध्यान रखेंगे, मान लीजिए इसकी शाखा नीचे गिरी, फल नीचे गिरा, पत्तियां भी गिरी नीचे, ठीक, कोई जानवर आकर यहाँ मर गया तो उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी, मतलब उसको आप कह सकते हैं कवक, ये फोटो बनी हुई है कवक, ये देखिए पेड़ों को जैसे कोई लकड़ी सड़ जाती है उस पर जम जाते हैं, ठीक, जिनको आप फसलों को सब्जी भी बनती है जहरीले होते हैं तो वो जम जाते हैं, कवक को क्या करते हैं बैक्टीरिया वगैरह इसको सड़ा डालते हैं, गला डालते हैं, और एक अच्छी खाद, आप देखिए हम लोग घर पे खाद कैसे बनाते हैं, पत्ती कूड़ा सब उसी में डालकर गोबर दबाते चले जाते, वो बहुत बढ़िया खाद बन जाती है, तो ये काम बैक्टीरिया करते हैं जंगल में। ठीक, जैसे इसके पेड़ की कोई शाखा गिर गई या कोई पेड़ गिर गया तो उसको पूरा सड़ा के बहुत बढ़िया से खाद बना देंगे नीचे के लिए। ठीक, दस ए रिच टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज क्रिएटेड विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू आवर प्लांट्स। तो बच्चों जो खाद बनी है ये सभी पेड़ों क्या खाद पदार्थ, खाद आप क्यों डालते हैं, ताकि न्यूट्रिशन मिल सके, सभी पौधों को न्यूट्रिशन देते, पेड़ और बढ़ते। ठीक, समझ गए यार, डिफरेंट ट्रीज ऑफ दिस रीजन ग्रो बियर फ्रूट्स एंड सेट देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर, देयर फोर द फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर ग्रीन। मीन क्या हो गया कि जैसे इसमें कई तरीके के पौधे पाए जाते हैं, मैंने देखिए लिखा है केडर, महोगनी, रबर, बनाना, प्लम, कोकोनट। अब जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप एक बाग लगा दीजिए और उसमें आम भी हो, सर्दियों की भी हो, अमरूद भी हो, सब अलग अलग मौसम में फल देंगे। ठीक, उसी प्रकार इनमें क्या होता है कि अलग अलग मौसम में फल देते हैं, ढेर सारे पौधे होते हैं और अलग अलग मौसम में इनके पत्ते गिरते हैं। मान लीजिए इसके पत्ते गिर गए, ये हरा बना हुआ, इसके पत्ते गिरे ये हरा बना हुआ, ये नीचे इधर पेड़ों में कई हरे भरे बने रहते हैं, तो साल भर में अलग अलग टाइप रहता है। ठीक, आप इस तरह मानिए कि आपके क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो दो बच्चे आज पढ़ने नहीं आए तब भी क्लास भरी है, वो दो कल आ गए परसों आप नहीं आए, तो क्लास में बच्चे रहते हैं हमेशा। उसी तरह इसमें जो है अलग अलग पेड़ों के पत्ते गिरते हैं तो पता नहीं चलता क्योंकि ये अगल बगल वाले हरे रहते हैं, सबका टाइम अलग अलग है। ठीक, इसलिए इसको एवर ग्रीन यानी हमेशा हरा भरा रहने वाला जंगल कहते हैं। ठीक, केडर, महोगनी, रबर, बनाना, प्लांट, ये पेड़ों में इसका मतलब होता है देवदार, महोगनी, रबर का प्लांट आप जानते हैं जिससे रबड़ मिलती है, साइड से काट कर उसका दूध निकाल लेते हैं। ठीक, बनाना आप जानते हैं, केला, प्लांट मतलब जानते हैं
जानते हैं ताड़ होता है, ये प्लांट का पौधे अपने स्कूल के पास भी लगे, कोकोनट आते होते हैं, नारियल, ये सारे पौधे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक, अब पेज नंबर 30 पर ही वाइल्ड लाइफ एक वीडियो पढ़ी है, इसको फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। थाउजेंड ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज मतलब क्या होता है बच्चों, प्रजातियां, ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड सर्वाइव इन दिस फॉरेस्ट, मेनी प्लांट ईटिंग एनिमल्स लिव इन कैनोपी, फॉर एग्जाम्पल लेमर्स, मंकी, मोसेट्स, फ्लाइंग स्क्वायर बर्ड्स, ईटीसी। तो बच्चों जो कैनोपी होती है ये हमारी, ये हरा भरा यहाँ पत्तियां हैं ढेर सारी, तो जो जानवर पत्तियां खाते हैं वो आराम से पेड़ों के ऊपर इतने सारे जानवर रहते हैं। ठीक, तो क्या लेमर्स रहते हैं, देखिए फोटो भी बने हैं, लेमर्स मतलब बिल्लियों टाइप होते हैं, और मंकी बंदर आप जानते हैं, फ्लाइंग स्क्वायरल एक गिलहरी होती है, वो जैसे इस पर है तो उड़कर इस पर आ जाती है, वो बहुत तेज उछलती है और अपने अगल बगल उसके होते हैं पंख टाइप में उसको फैला लेती है, उड़कर यहाँ से उड़ती थी सीधे यहाँ आ जाती है, गिरती नहीं पीछे, तो इसको हम बोलते हैं। तो ये कहाँ रहेंगे जानवर जो पत्तियाँ खाते हैं, उनके रूपी सारा भोजन मिल रहा है हरा भरा, तो यहीं पर ये रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एट द लोअर लेवल्स एनिमल कैन रन, फ्लटर, हॉप, हॉप मतलब होता है बच्चों कूदना, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, ठीक, मीनिंग भी ध्यान रखेंगे, एंड क्लाइम द अंडरग्रोथ आर फ्रॉम एप्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला, एलिफेंट एंड जिराफ। बच्चों वो जानवर जो दौड़ सकते हैं, जो कूद सकते हैं, जो फड़फड़ा सकते हैं, वो नीचे की लेयर में अपने रहेंगे, क्योंकि ये दौड़ भाग के अपना शिकार कर लेते हैं, खा लेते हैं, धानिया वगैरह खा लिए अगर शाकाहारी होंगे। ठीक, तो इनमें एप्स मतलब होता है वानर, चिंपैंजीज भी वानर की प्रजाति, चिंपैंजी आप सुने होंगे, गोरिल्ला जानते ही, ये भी बंदर धीरे धीरे होते हैं, बड़े बड़े गोरिल्ला वगैरह पर, और एलिफेंट्स हाथी, और जैगुआर जो होता है बच्चों ये बड़ी बिल्ली, जैसे अपने शेर पाए जाते हैं, चीता पाया जाता है, उसमें जैगुआर मिलता है, देखिए फोटो बनी हुई है जैगुआर की। देयर आर आल्सो, आगे पढ़ेंगे, मेनी कलरफुल बर्ड्स सच पैरट्स, टॉकेंस, मैकाउस, ये चिड़ियों के नाम है बच्चों, बहुत सुंदर चिड़िया होती है। यहाँ पर पेज नंबर 31 में एक फोटो बनी मैकाउस, देखिए तोते की तरह है। रेन फॉरेस्ट आल्सो कंटेन द मोस्ट नंबर ऑफ रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है छिपकली, क्रोकोडाइल का मतलब आप जानते हैं मगरमच्छ, ठीक, एलिगेटर्स का मतलब होता है घड़ियाल, वो थोड़ा पतला मुंह होता है, ठीक, और टर्टल्स का मतलब कछुए। ये सब बच्चों पानी के जानवर हैं, जो नीचे की लेयर में पानी के तालाब हैं, झीले हैं, या अमेजन नदी खुद बहते हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक, छिपकलियां हैं जो नीचे घूमती रहती हैं। इंसेक्ट्स सच एंट्स एंड टर्माइट्स, बच्चों चींटियां और दीमक भी, एंट्स का मतलब चींटियां और दीमक भी यहाँ पाए जाते हैं। अब सबसे नीचे देखिए पैराग्राफ चेंज है, सर्वाइवल एनिमल्स इन द रेन फॉरेस्ट सो यूज अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चों बहुत से जानवर इसमें ऐसे पाए जाते हैं जिनके बहुत ही असामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ही अलग तरह के जानवर इसमें पाए जाते हैं। ठीक, एक एग्जांपल इसमें दिया है स्लॉथ, देखिए स्लॉथ पेड़ में बैठा है, फोटो में देखिए, ये हैंग अप डाउन अपसाइड डाउन रेस्टिंग फॉर आवर्स एट ए टाइम, द ब्राइट कलर्स ऑफ एनी पॉइजन ड्राफ्ट फ्रॉम वन अदर एनिमल्स दैट इट इज पॉइजनस एंड शुड बी नॉट ईटन। तो बच्चों दो जानवरों के बारे में, एक स्लॉथ है, देखिए स्लॉथ ऊपर बना हुआ है बंदर, एक पॉइजनस डार्ट फ्रॉग है, ये पेज नंबर 30 पे ही देखिए एक सुंदर सा जानवर यहाँ बना हुआ है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग अगर देखें ये स्लॉथ है और यू मेटर है पॉइजनस लंगीज। तो जो स्लॉथ जो होता है पेड़ पर देखने बड़ा खूबसूरत होता है, वो पेड़ पर चढ़ जाता है उल्टा लटक से आराम से, उसकी पकड़ इतनी मजबूत है जिससे हम
चमगादड़ नहीं घंटों उल्टे लटके रहते हैं, उसी तरह ये आराम करता है, पेड़ों पे ही रहता है। ठीक। और दूसरा ये फ्लॉग देखिए कितना सुंदर है, पर इसमें खतरा बहुत है क्योंकि पूरा जहरीला है। ठीक। अगर आप इसको टच भी करेंगे तो आपको नुकसान होगा, अगर ज्यादा इसने का मतलब आपने ज्यादा देर तक टच करेंगे तो मौत हो सकती है। काफी अद्भुत जानवर, असमान जानवर इस रेड फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।